नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा सहित कांग्रेसियों व बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। वही बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं आम उपभोक्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की एवं कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए, जहां कांग्रेसियों ने धरना स्थल पर ही दो दिवसीय बिजली समस्या निवारण शिविर का काउंटर भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग की लूट खसोट और व्याप्त है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस आम बिजली उपभोक्ताओं के हित में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है, जिसके तहत जबलपुर के समस्त बिजली दफ्तरों के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आज राज्य बिजली कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या मांगे? देखिए, मांगे तो अनगिनत हैं। बिजली विभाग के द्वारा इस तरीके का लूट और आतंक का माहौल समूचे मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है कि आम बिजली उपभोक्ता जो है वो डरा सहमा सा है। आज जबलपुर में प्रत्येक फीडर पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा 100-100 चोरी के प्रकरण बनाने का टारगेट दिया जाता है, और अगर कहीं पर चोरी नहीं पाई जाती है तो लोड बढ़ाने के नाम पे कि आपका लोड कम है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसके नाम पे चोरी का प्रकरण बनाया जाता है और उस आदमी को सरे बाजार सरे मोहल्ले जलील करने का काम किया जाता है। एकाएक आदमी की बिजली काट दी जाती है, बल्कि और उसके विपरीत विद्युत प्रदाय संहिता में साफ तौर पर उल्लेखित है कि अगर आपको किसी उपभोक्ता की बिजली की सप्लाई अगर रोकनी है तो पूर्व में आपको नोटिस देना पड़ेगा। आज जबलपुर में 78 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो TC चल रही है। ऐसे अनेकों मामले चोरी के प्रकरण बिजली विभाग के आला अधिकारियों के हम लोगों ने पकड़े, जहां पर CMD, MD, सचिव ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर बिजली महकमे को ईमानदारी से चलाने की जवाबदारी है उनके द्वारा चोरी की जा रही, ऐसी तमाम चीज़ों को लेके आज जबलपुर में रांची में हम लोगों ने धरना दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से आम जनता आके यहाँ पर अपनी समस्याएँ बता रही है। जहाँ पर एक तरफ बिजली विभाग उन बातों का प्रचार करता है जो उनके पक्ष की हो, वहाँ पर उन बातों को छुपाता है जो आम कंज्यूमर के पक्ष की हो। आज जबलपुर में सिटी सर्किल लेवल पर एक कंज्यूमर फोरम गठन करने का प्रावधान है, मगर सिटी सर्किल के द्वारा वो आदेश जारी करके सार्वजनिक किया जाता है कि ये 7 सदस्यीय समिति है जो आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करेगा। उसमें से जो 5 सदस्य हैं उनसे हम लोगों ने बात करी, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई है शहर में, उन 5ों को पता ही नहीं है कि वे समिति के सदस्य हैं। आज जो कंपनी लेवल का जो कंज्यूमर फोरम है उसमें 7 व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें से 5 जो हैं आम बिजली उपभोक्ता होने चाहिए, मगर वहाँ पर सिर्फ 3 कंपनी के अधिकारी बैठ के आम जनता के निर्णय करती है, कंपनी के पक्ष में करती है और इस प्रदेश की जनता को चोर साबित करती है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके आज हम लोग रांची में यहाँ पर धरना कर रहे हैं, साथ ही साथ में बिजली संबंधी जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया जा रहा है। बिजली दफ्तर के सामने जो है क्या है विशेष जो मांगे लगातार? गोल हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति जो सामान्य परिवार का है या कमज़ोर है वो किसी कारण अगर बिल नहीं जमा कर पा रहा है तो उसको बिना नोटिस दिए उसकी लाइट काट दी जाती है। आम जनता बड़ी परेशान है, अगर मीटर ख़राब हो गया है, ये उपभोक्ता को तो नहीं मालूम मीटर ख़राब हो गया, जो रीडिंग हर महीने करने आते हैं वो उनको ये जानकारी होना चाहिए, अब वो रीडिंग कर रहे हैं कि मीटर सही है कि ख़राब है, लेकिन जब ये पाया जाता है मीटर ख़राब है तो एक बड़ा अमाउंट मर देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यही सारी समस्याएं, और ख़ास तौर पे रांची क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है, बिजली बिलों की समस्या है, अब तो पेपरलेस बिल कर दिए हैं, अब लोगों को पता ही नहीं है मोबाइल अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे बिजली का बिल भरे, अगर मोबाइल पे आ भी रहा है तो जानकारी कैसे करो, और जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं कर्मचारी बैठे हुए ये आम जनता से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और ये सब नाकामी है भाजपा सरकार की और कैंट क्षेत्र के विधायक की जो निष्क्रिय हैं,
आम जनता की ओर जिनका ध्यान नहीं है और लगातार कांग्रेस के लिए प्रदर्शन कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपये यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल आता था, और आज ऐसा क्या हो गया, शिवराज जी की सरकार आते ही करंट मानने लगा बिजली का बिल। ये सब भ्रष्टाचार भाजपा ने बनाया हुआ है। जो विधायक खरीदे थे, अब वो पैसे कहाँ से वसूले जाएं, तो ये आम जनता की जेब काट के ये पैसों की भरपाई भाजपा सरकार कर रही है, और ये अधिकारी भाजपा सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेके हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया, और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, अब पूरे कैंट क्षेत्र में हर बिजली दफ्तर के सामने होगा, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ों पर हम सभाएँ लेके आम जनता को जागृत करेंगे, और जागृत के साथ साथ राहत भी दिलाने का प्रयास करेंगे आम जनता को, जो ये भाजपा की सरकार के नेतृत्व में ये कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सारी लड़ाई हम आम जनता के लिए, कांग्रेस के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।